मेरे बहनों भाइयों, आज मैं यहां पर आपसे अपील करने के लिए खड़ा हूं। एलडीएफ और यूडीएफ से केरल को बचा लो बहनों भाई। केरल का पास्ट बहुत ही ग्लोरियस रहा है, फिर से वैसा ही ग्लोरियस हम केरल बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी एलडीएफ और यूडीएफ की रिग्रेसिव आइडियोलॉजी के कारण बराबर केरल यह पिछड़ता जा रहा है। लेकिन एनडीए का भी यह फैसला है, बीजेपी का फैसला है कि हम अब इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज तक हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर आप देख लीजिए, 51 में हमने कहा था कि जब हमारी हमको क्लियर मेजॉरिटी सेंटर में मिलेगी आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू काश्मीर को स्टेटल स्टेटस प्राप्त है, हम इस आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू काश्मीर का भी वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों का होगा। और बहनों भाइयों, उसको हमने करके दिखाया। हमने जो भी प्राविजेज की, कोई कह सकता है कि हमारी प्राविजेज गलत है, कोई कह सकता है आपकी प्राविजेज सही है, लेकिन गलत हो अथवा सही, यदि हमने प्राविजेज को किया है तो अपने प्राविजेज को फुलफिल किया है। यही भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है।